गुड मॉर्निंग, आप सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और IIT BHU का नया बैच आ चुका है। न्यू कमर्स हैं ये सब जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और बात करूंगा मैं कि एक तो मेहनत करके आए हैं, बधाई हो बंधु आप लोगों को, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कैसा लग रहा है 3-4 दिन? बहुत बढ़िया लग रहा है, कैंपस बहुत मस्त है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। आदित्य एक बात बताओ, जैसे वीडियो बनाने के पीछे कारण ये था कि कुछ पहले भी वीडियो बनाए थे मैंने, तो कुछ होता है ना कि जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल आप सेकेंड ईयर में जाओगे और फर्स्ट ईयर में आपके जूनियर्स आएंगे, तो उनके लिए ज़रा बताओ जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो कहूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें और अपने क्लासेस के साथ रेगुलर रहे। बाकी और एक चीज़ है कि जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी थोड़ा आराम से करें ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। तो मेरे ख्याल से तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जेई में। थोड़ा अच्छा, मैं यही दो जगह पे थोड़ा चूक गया था, तो फिर और थोड़ी बेटर है कहाँ से। ओके, तुम बाबू अपना नाम बताओ। मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं CSE डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ, आपका क्या सुझाव है उस जूनियर्स के लिए जो तैयारी में लगा हुआ है? यही सब, मतलब और बुक्स जैसे होती हैं तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है जैसे नोट्स अगर वही वो लोग प्रिपेयर कर लें तो उसे हो जाता है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सही से समझें। क्लास क्या मतलब, कोचिंग में? हाँ, या में। कहीं भी आजकल जो भी कर रहे हैं, कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, कोचिंग तो करना ही पड़ता है आने के लिए। तो वही जो वो नोट्स बनवाते हैं या DPP देते हैं वही उतना ही सॉल्व कर लेंगे तो हो जाता है उससे। अच्छा, आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम पुनीत है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। मैं तो यही कहना चाहूँगा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले तो कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ क्लास पे आप कितना फोकस रखते हैं। ओके, क्योंकि कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन पढ़ लिए 12-12 घंटे, फिर अगले दिन 4 ही घंटे पढ़ें तो अरे तो 8 वैसे ही आ गए, 7-8 घंटे अगर रेगुलर 2 साल या 1 साल अगर आप ड्रॉपर हैं तो 1 साल नहीं तो 2 साल पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाबू? मेरा नाम अभिलाल शुक्ला है, मैं UP से हूँ, भदोही जिले से, और मेरा JEE में स्कोर आया था 191 और ऑल इंडिया रैंक 3057 था, और मैं MNC ब्रांच लिया हूँ यहाँ पे। मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि वो जो JEE ओरिएंटेड क्वेश्चन करें सबसे पहले, ज़्यादा इरेलेवेंट क्वेश्चन करें, वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन UPC से ना आगे, और अपने नोट्स को प्रॉपर रोज पढ़ें, रिवाइज करें, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन की ओर ना भागें, हमेशा JEE ओरिएंटेड क्वेश्चन करें और एग्ज़ाम आप रेगुलरली देते रहें। अच्छा, एक बात बताओ, ओवरऑल जो जिनके पास ये आंसर होगा वो बताएंगे कि जब भी बच्चा तैयारी करता है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कितनी ज़रूरी है, कितने घंटे करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में भी सवाल ही आने वाले हैं, तो सेल्फ स्टडी से आपके नंबर वगैरह बढ़ने वाले हैं। मैं कहूँगा क्लासेस के अलावा जितना भी टाइम आपको मिल रहा है आप उसे सेल्फ स्टडी में बिताइए। जिस दिन क्लासेस है 6-7 घंटे, बाकी दिन पूरा 10-12 घंटे तो पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, कुछ बुक्स बताओगे, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ? ठीक है, मैंने तो पर्सनली जो अपने मेरे कोचिंग का इंस्टीट्यूट था आकाश का, वही फॉलो किया, उससे मेरा हो गया सब कुछ, बाकी उन्हीं के पेपर वगैरह सॉल्व किए, तो मैंने तो बाहर से कोई बुक तो नहीं उसकी, तो मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही हो गया। ओके, मतलब वो भी सफिशिएंट है? हाँ, कोचिंग बहुत सफिशिएंट है, अगर आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन करते तो इट्स मोर देन इनफ, बाकी अगर आपका वो हो गया है तो आप और भी बाहर किताबें कर सकते हैं। राइट, और कुछ ऐड करो। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री के लिए NCERT पूरा 2 बार 1 बार 3 बार पढ़ लें जितना पढ़ना है। NCERT? हाँ, NCERT। और फिजिक्स के लिए आप इनिशियली HCV सॉल्व करें, और HC वर्मा सॉल्व करें, और अगर आप HC वर्मा सॉल्व करने के पीछे जो कंसेप्ट हैं वो अगर समझ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि JEE Advanced का मतलब 60-70% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, और थोड़े से और आगे के लिए आप केवल PYQ सॉल्व करें, सफिशियंट है। अच्छा, आप PYQ कितने साल तक का करना चाहिए? लास्ट 15 ईयर कर लें, सफिशियंट है, अगर टाइम है तो बैक जाएं। ओके, टाइम है तो बैक जाएं। हम तो ये कहेंगे कि बुक मतलब HCV कर लें, HCV से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन क्यों ना भागे, आप पीछे क्वेश्चन कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम, मतलब जो बहुत अच्छा लगे उससे ज़्यादा समय नहीं दें? नहीं, इससे गलती हो सकती है, क्योंकि इक्वल मतलब आसान क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट में डिफाइन है, उतने ही आएंगे, तब क्वेश्चन अगर कुछ। लेकिन साइकोलॉजी तो ये कहती है जो अच्छा लगता है लोग उसी तरफ भाग जाते हैं। पेपर में तो वही आएगा ना, तीनों सब्जेक्ट आएंगे, इक्वल टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, क्योंकि जीरो से कुछ लेवल तक आने के लिए जितनी मेहनत चाहिए कम ही मेहनत चाहिए, फिर ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो उतना टाइम अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट में दे दोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, जेई के रैंक अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब जरा सा मैं पूछूंगा कि आप लोगों का क्या टारगेट है, बताओ। आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बहुत उदासी होगी कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको IIT BHU मिला। पता है आपको IIT BHU में सबसे ख़ास बात क्या है, आपको IIT में भी रहने का मौका मिलेगा और BHU में भी, ठीक है, ये किसी अदर IITs में नहीं है, ये मानते हो ना? अगर नहीं मानते हो तो मेरी ये बात आप फाइनल ईयर तक जाते जाते निस्संदेह मानोगे। तो क्या टारगेट है आगे का? सर फिलहाल तो अभी कैंपस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने के सोचे हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ टारगेट तो नहीं लिया, पर देखते आगे। अच्छा, आप जी? वही जो सभी का होता है, एक प्लान निकलते टाइम में कि अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाए, या अभी तो जितना ज़्यादा अपने को एक्सप्लोर कर सकें, मतलब बिजनेस में भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बिजनेस में भी करना है। कंप्यूटर है ना आपका? बनेगा बिजनेस, बढ़ेगा बिजनेस। आप? कैंपस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और बहुत मन था CSE लेने का, बट मिला तो है नहीं, इसलिए कोडिंग सीखूंगा और कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले मैं कहूँगा मैं यहाँ आकर कैंपस एक्सप्लोर करूँगा एज ए वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन हम कोडिंग करेंगे ताकि आगे चल फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहे। बस एक चीज़ याद रखना विथ रिस्पेक्ट ऑफ अदर IITs, ठीक है, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप कोडिंग जानते हो तो सॉफ्टवेयर में चले जाओगे, राइट? लेकिन अपनी इच्छा को मत मारना, अवे फ्रॉम ऑल थिंग्स। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो ना, तो कई बार ऐसा होगा कि नहीं नहीं ये भी अच्छा है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, तो इस चीज़ को अपने को निगलेक्ट मत करना, ठीक है। आप लोग दो चार चीज़ें मैं और कहूँगा कि रूटीन में कम से कम एक्सरसाइज, ठीक है, ऐड करना, ठीक है, और मस्ती से रहना, और जब भी दिक्कत हो ज़रूर याद करना सीनियरों को। बहुत बहुत धन्यवाद।